हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। क्लास 10th की जो प्रश्नावली है मैथमेटिक्स की 4.3 है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने वाला हूँ। इसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 तक दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में समीकरण पहला है 2x² - 7x + 3 = 0। हमने समीकरण लिख लिया है। अब समीकरण लिखने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद इसमें ये है, इसको दाईं ओर रखते हैं तो 2x² - 7x - का हो जाएगा। अब ये प्लस का है तो इसकी हमने पोजीशन चेंज की तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर x² का गुणांक हो तो x² का देखिए गुणांक है 2 दिया है इसमें। अगर नहीं दिया होता तो बात अलग थी, अभी दिया है 2 तो हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे, सब में करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो 2 का दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो भाग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² - 7x - 2 - 3/2। तो 2 से 2 यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा x² - 7x - 2 - 3/2। तो इसको नाम दे देते हैं ए, एक्स है उसके आधे का वर्ग करते हैं। एक्स का गुणांक के आधे का वर्ग करने पर, ये जो एक्स का गुणांक है 7/2, इसका आधे का वर्ग करने पर तो करते हैं 7/2, ये माइनस का है ना, तो आधा हो गया 2। आधे के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर 1 मान लेते हैं तो पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा, सबसे पहले इसका वर्ग कर देते हैं इस प्रकार से, तो पास पास का गुणा दूर दूर का गुणा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं दूसरे पेज पर आ गया हूँ इसलिए। तो माइनस का 7/2 लिखा था हमने 2, और इसका हम आधा करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो अभी हम अभी स्क्वायर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे पास पास का गुणा दूर दूर का गुणा। तो पास पहले दूर दूर का गुणा कर देते हैं तो माइनस का आएगा 7/2 में आ जाएगा 2। तो पहले हमने माइनस का 7 था और 1 का मल्टीप्लाई किया दूर दूर का, तो आ गया माइनस का 7। 2 का और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब जो इसमें स्क्वायर लगा था वो लगा देते हैं, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, करते हैं 7 × 7 तो हो जाएगा 49, और 4 × 4 करते हैं तो आ जाएगा 16। और यहाँ जो माइनस का साइन है वो उसको आपको ध्यान में रखते हुए लिख देना है, तो आ गया माइनस का 49/16। अब जो ये आया है मान, अब इस मान को हम समीकरण ए में रख देते हैं। जो समीकरण ए है उसको हमें लिख लेता हूँ, ये तो आ गया है मान, समीकरण ए। ए मैंने एक नाम दे दिया है, आप चाहें तो समीकरण को भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हो, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए या तो मैंने माना है समीकरण ए में माइनस का 1/16 जोड़ने पर, तो समीकरण है तो उसको लिख लेता हूँ मैं x² - 7x / 2, यह है समीकरण। और बराबर में इस साइड लिखा हुआ है माइनस का 3/2, ये तो समीकरण ए है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 7x / 2, प्लस करेंगे इसको जोड़ देंगे 49/16, बराबर का साइन इसी का लगा रहेगा, माइनस का 3/2, इसमें भी करेंगे हम प्लस करेंगे तो 49/16 आ जाएगा 16। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16, और 2 से 16 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा, और 8 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24। 24 आ गया है माइनस का, यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, प्लस जो है इसी प्रकार लगा रहेगा, का 16 से भाग देंगे तो 1 बार कट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो आएगा 49। ओके, इतना ये कर लिया। अब करते हैं इसमें, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a² ये माइनस का साइन है इसी प्रकार लगा रहेगा, प्लस इसको ध्यान नहीं देना है अभी आपको, a² + b² तो b² ये हो गया
इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं जिस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा था, कहाँ पर लिखा था, यहाँ पर हमने किया था 7/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/4, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लगा देंगे 2ab, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और जो माइनस में रहता है तो माइनस लगा देते हैं, प्लस में रहता है तो प्लस में लगा देते हैं। जैसे कि फॉर्मूला मैं यहाँ पर रफ में बता देता हूँ आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है फॉर्मूला। अगर यहाँ पर माइनस का होता है तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो उसी प्रकार किया है हमने, केवल हम 2ab को यहाँ पर लिखेंगे बीच में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको इस प्रकार लिख लिया है 2ab, यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो यहीं पर लगेगा 2ab, 2 ए है ये एक्स गुणे बी, बी क्या है ये 7/4, ओके ये लिख लिया। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस प्रकार लिखा, अब इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते क्या, तो जैसे कि ए स्क्वायर को जैसे कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, तो हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने लिखा है ए प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस का है तो माइनस लगा रहे हैं, तो ए माइनस का बी, बी यानी ये हो गया 7/4 का होल स्क्वायर लगा दिया है बराबर में। अब ये जो है दूसरा पक्ष, दो पक्ष चल रहे हैं, एक पक्ष ये है दूसरा पक्ष ये है, और दोनों में हमने क्या किया है 49/16 को इसमें जोड़ा है, इसमें एलसीएम लिया था तो यहाँ पर आया 16, और एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, भाग दिया और गुणा किया, तो इस प्रकार से कंडीशन बन गई है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 49 में से 24 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक्स माइनस का 7/4 इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, 25/ हो जाएगा 16, ओके स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाता है। तो अब क्या करेंगे, एक्स माइनस का 7/4 बराबर में, अब ये रूट तभी हटेगा जब हम वर्ग लिखेंगे, जैसे कि 16 का वर्ग होता है 4, 25 का वर्ग होता है 5, तो अब ये रूट हट गया, ओके रूट हट गया। ये जो है माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेंगे प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लेने पर इसके जो है दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है प्लस में, एक आ रहा है माइनस में, तो ये तो है प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लेने पर, तो प्लस का चिन्ह लेते हैं सबसे पहले, एक्स माइनस का 7/4 इसको हम इसी प्रकार लिख रहे हैं बराबर में, इसको लिख रहे हैं प्लस में 5/4, प्लस का हम लगाते नहीं हैं साइन, केवल इसी प्रकार लिखते हैं। तो अब करेंगे एक्स बराबर, एक्स की जहाँ पर हम बराबर लगा रहे हैं, बराबर में 5/4 इसको इसी प्रकार लिख रहे हैं, ये जो माइनस का है ये इस साइड की पोजीशन चेंज करेंगे इसकी, तो ये प्लस का हो जाएगा 7/4, इसकी हमने केवल पोजीशन चेंज की है इस साइड। तो ये जो है आप लोग मार्क मत करें, ये मैं आपके लिए समझाने के लिए मार्क करता हूँ। तो एक्स बराबर में एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4 से 4 एक बार कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5, प्लस का साइन इस प्रकार 4 से 4 एक बार फिर कट जाएगा, एक का मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 7 आएगा, एक्स बराबर में आ जाएगा 7 और 5 कितना होता है 12, 12/4 आ गया। अब कट रहा है तो काट देते हैं, देखिए यहाँ पर कट रहा है तो काट देते हैं, तो 4 से 12 कितनी बार कट जाएगा 3, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8 है 12, तो 3/ आ जाएगा 1, एक्स बराबर में 3। तो पहला तो ये आ गया प्लस में 3। अब लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस का 7/4 बराबर में का 5/4, ओके जो लिखा हुआ था वही लिख दिया है हमने, क्योंकि ये माइनस में था प्लस में था, तो हमने क्या किया है माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर माइनस बराबर में, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हम माइनस का चिन्ह ले रहे हैं, यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह लगाया था ऊपर क्योंकि हमने प्लस का लिया था, अब हम माइनस का ले रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का लगाएंगे, तो माइनस का 5/ में आ जाएगा 4,
अब इसकी पोजीशन फिर से चेंज करेंगे तो ये माइनस का है तो फिर से हो जाएगा प्लस का 7/4। अब फिर वही करते हैं, एक्स बराबर में एलसीएम लेते हैं, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 एक बार कट जाएगा, भाग करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो माइनस का 5 ही आएगा, प्लस का साइन 4 का 4 से करेंगे एक बार कट जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7 ही आएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है और माइनस यानी 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2/4। प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस हो गया तो फिर 4, 7 में से 5 को माइनस कर दिया तो आ गया 2, और जो 4 है बटे में उसको इसी प्रकार लिखा है, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो आ गया है 1/2। ये आ गया है x का मान, पहले x का मान आ गया है प्लस का 3, फिर x का मान आ गया है 1/2, ये भी प्लस का है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस का x माइनस 4 बराबर में 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण लिख लिया है, अब इस समीकरण की हम समीकरण की तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला रहता है ax² प्लस का bx माइनस का c बराबर में 0। इससे हम तुलना कर रहे हैं किसकी, समीकरण जो क्वेश्चन दिया है। तो a का मान 2 है प्लस का 2, b का मान यहाँ पर दिया नहीं है, x के गुणांक दिया नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। c का मान दिया है माइनस का 4, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, a होने था ओके, यहाँ पर a होगा और यहाँ पर भी b सही लिखा हुआ है ओके, b सही लिखा हुआ है तो b के अकॉर्डिंग हम ये मान रखेंगे 1। तो यहाँ पर मैं काट देता हूँ इसको, एक बार फिर से लिख देता हूँ। जैसे कि ये फॉर्मूला है डी यानी विभंतीकरण, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ विभंतीकर डी बराबर में ये फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला होता है ठीक है। तो आप ये फॉर्मूले का अकॉर्डिंग मान रख देते हैं, जैसे a का निकाला था हमने 2 आया था, b का x का गुणांक नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लिया था, c का है जो माइनस का 4 है इसको इसी प्रकार लिखा, तो b² का हो जाएगा, जैसे v का मान दिया है 1 तो इसका स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस का 4 इसी प्रकार लिखेंगे, a यहाँ पर दिया है 2 गुणे के रूप में 2, फिर गुणा c का है माइनस का 4 तो ब्रैकेट लग जाएगा माइनस का 4, तो चलिए a का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ओके, तो ब्रैकेट हटा देते हैं 1 आएगा ओके, 1 आया, माइनस का 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 8 चौक 32, तो 32 हो गया है माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 32, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 1 प्लस का आ गया 32, अब प्लस कर देंगे 33, और जब प्लस में 33 आ गया है तो हम ये जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे अगर ये माइनस में आता तो इसे सॉल्व नहीं करते हम, तो इसलिए मूल वास्तविक परिमेय लिखना है, इसलिए मूल वास्तविक परिमेय तथा अपरिमेय है, और लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। एक बार फिर से लिख लेते हैं, ये समीकरण है 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर में 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अचर पद को इस साइड पोजीशन चेंज करते हैं, इस सेट लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस का x, अब ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, x बराबर में 4, फिर x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है 2, तो हम क्या करेंगे 2 का भाग करने पर, तो हम ये जो समीकरण है, समीकरण यहाँ लिख देते हैं, समीकरण में 2 का भाग करने पर, तो कर देते हैं 2x² प्लस x बराबर में 4,
अब इसके नीचे लिख देते हैं टू, अब टू से टू हो जाएगा कैंसिल, इसके नीचे भी लिखते हैं टू तो ये तो कटेगा नहीं, और इसके नीचे भी लिख देते हैं टू, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, इस प्रकार लिख लेते हैं 1/2 और एक्स, तो ये जो है इस प्रकार से लिख लिया है बराबर में। अब ये कट रहा है तो काट देते हैं, तो 2 से कट रहा है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा ये ऊपर होगा 2/1, तो ये हो गया समीकरण ए, इसको नाम दे दिया है ए। यहाँ लिखेंगे एक्स का गुणांक का आधे का वर्ग करने पर, कि आधे का वर्ग करने पर, तो देखिए हमने वर्ग ही किया है, एक्स का गुणांक क्या है 1/2, 1/2 लिखा, फिर इसके नीचे हमने क्या लिखा टू। अब टू इसलिए लिखा क्योंकि हम किसी भी संख्या या आधा लिखते हैं या मान, तो आधा लिखते हैं टू, यानी आधा टू। अब हमने टू लिखा तो उसके नीचे वन लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ भी हमने लिख लिया है एक टू के बटे टू के नीचे वन। तो अब क्या करते हैं, पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा, ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पर वर्ग कर देते हैं। तो जैसे एक्स का गुणांक के आधे का वर्ग करने पर, पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा, एक का एक ही आएगा, दो का दो से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4, तो 1/4 आ गया है। और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि अभी हमने स्क्वायर को अभी किया नहीं है, तो अब स्क्वायर कर देते हैं। तो एक का तो एक ही होगा, स्क्वायर करेंगे हम जैसे 1/1 × 1 करेंगे तो एक ही आएगा। अब 4 × 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, तो ये आ गया है मान। अब इस मान को क्या करेंगे हम, समीकरण यानी जो समीकरण ये है इसमें जोड़ देंगे। इसमें दो पक्ष हैं, एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है, तो हम यही करते हैं कि जो समीकरण है इसमें ए वाला जो समीकरण है इसमें जोड़ देते हैं जो मान आया है 1/16। तो समीकरण ए है, समीकरण ए में 1/16 जोड़ने पर, समीकरण ए में 1/16 जोड़ने पर, तो समीकरण ये है, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का है 1/2 एक्स प्लस कर देते हैं, अब जोड़ रहे हैं ना इसको 1/16, तो 1/16, और अब जो 2/1 लिखा हुआ है उसको बराबर में लिखेंगे 2/1, और प्लस करके लिख देंगे 1/16, 16 से मैं जोड़ दिया है। और फिर अब इसमें फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन 1/16, तो 1 तो 1 इसी प्रकार लिखा रहेगा, 16 को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, 4 और होल स्क्वायर लगा देंगे, तो अगर हम इसका स्क्वायर इससे करेंगे 4 × 4 तो यहाँ पर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 16। अब बचा 2ab, तो a का है x और b जो हमने 1/4, फिर बराबर में इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो 16 आएगा एलसीएम, एक से हम भाग देंगे 16 में तो 16 पर कटेगा, तो 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 16 × 16 16 × 2 = 32, प्लस का साइन है यहाँ पर तो प्लस का साइन, इसी प्रकार 16 से 16 एक बार कट जाएगा भाग करेंगे, और एक का एक से करेंगे तो एक ही आएगा गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो है एक फॉर्मूला बन रहा है यहीं पर, जैसे कि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते, एक्स प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर बराबर में इसको प्लस कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 33/16, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा है। इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है, फिर क्या करते हैं हम, अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाता है, ये आपको मालूम है, एक्स प्लस का 1/4, तो ये तो इसी का लग रहा
इसको हटाना हटा अब इसमें इसको हट गया तो यहाँ पर भी हम हटा सकते हैं ये ब्रैकेट। ओके तो इस पर रूट लगेगा 33 बटे में हो जाएगा 16, ये हो गया। अब x प्लस का 1/4, अब हम 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 33 का वर्गमूल क्या होता है ये तो होता नहीं है 33 का वर्गमूल, इसलिए हम क्या करेंगे 33 पर रूट का रूट लगा रहने देंगे, 16 जो है बटे में लगा था उसको लिख दिया है 4, क्योंकि 16 जो है वर्गमूल है 16 का और 33 जो है इसका वर्गमूल नहीं होता, इसलिए हम इसी प्रकार लिख दिया। ये जो है प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, तो पूरा कंफर्म नहीं है कि अब ये प्लस में है कि माइनस में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले लेंगे प्लस का साइन, तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर में, हमने यहाँ पर लिया है प्लस, तो रूट में 33 बटे में 4, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x बराबर में रूट में 33/4 माइनस का, अब ये जो प्लस का था ना 1/4 तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/4, ये जो है इसी का माइनस का साइन यहाँ पर आ गया है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं बराबर में ये जो 4 है ये तो आ जाएगा एलसीएम में, तो 4 एक बार कट जाएगा भाग लेने पर, एक से मल्टीप्लाई करेंगे रूट में जो 33 लिखा हुआ है, 4 से 4 एक बार कट जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये माइनस का साइन है ये इसी प्रकार लिखा रहेगा और माइनस का जो 1 है वो इसी प्रकार आ जाएगा। हमने केवल अभी यहाँ पर एलसीएम लिया और यहाँ पर बटे में आया केवल 4 और ऊपर आ गया है प्लस का रूट में 33 माइनस का 1, तो इसको या करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स बराबर में प्रकार लिखा रहेगा। ओके वैसे प्लस का साइन लगाते नहीं है तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और 1 जो है माइनस का है तो इसको इसी प्रकार लिख दिया है आगे, जो 1 है जो बिना रूट की जो संख्या है उसको मैंने पीछे लिख दिया, यानी जो प्लस का 33 था उसको यहाँ लिख दिया है और माइनस का 1 था उसको यहाँ पर लिख दिया है और बटे में 4। तो अब लेते हैं माइनस का, तो हर एक डालते हैं सबसे पहले यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर तो जो आया था आंसर वो उसको लिख लेते हैं एक्स प्लस 1/4 बराबर में रूट में 33/4। अब हम माइनस का ले रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का लगा देते हैं, माइनस का रूट में 33/4 तो एक्स बराबर में आ जाएगा माइनस का रूट में आएगा 33/4। अब जो प्लस का था ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने ये यहाँ पर किया था प्लस का चिन्ह लेने पर, तो जी प्लस का है 1/4, अब ये पोजीशन चेंज की यहाँ पर इस साइड की इसी पोजीशन चेंज, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1/4। अब एलसीएम ले लेते हैं इसी प्रकार 4 आ जाएगा एलसीएम और 4 से 4 एक बार कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का केवल बचेगा 33 रूट में, माइनस का साइन इसी प्रकार 4 से 4 फिर एक बार कट जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे एक से तो एक ही आएगा एक्स बराबर, तो हम इसको या करके इस प्रकार लिख सकते हैं इसको कि जो माइनस का 1 है उसको पहले लिख दीजिए माइनस का 1 और माइनस का रूट में 33 और बटे में 4, तो ये आ गया है आंसर।